दोस्तों, तो आफ्टर थर्मोडायनामिक्स वी स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या है? वी डील विद द मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन यूजिंग कैलोरीमीटर। ठीक है, फिजिक्स में कैलोरीमीटर के ऊपर हम विस्तार में चर्चा करते हैं। केमिस्ट्री में वी बेसिकली डील अबाउट द केमिकल रिएक्शंस अनलाइक फिजिक्स। ठीक है, नाउ यहां पर हमने एक टर्म यूज किए हैं हीट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर सवाल ये है, व्हाट इज हीट ऑफ रिएक्शन? इट इज द हीट रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन मोलर क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स इंडिकेटेड बाय द स्टोइचियोमेट्री ऑफ अ गिवन रिएक्शन हैज कंप्लीटली रिएक्टेड टू गिव यू द प्रोडक्ट। What does it mean? ये definition थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, example के through बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। 2A plus 3B gives you 2C plus 4D, suppose that is the reaction. और heat of reaction हमें दे रखा है x kilojoule per mole. What does it mean is, when two moles of A completely reacts with 3 moles of B, then it releases x kilojoule amount of heat. When 2 moles of A, ये जो हमारा है ये balanced reaction है, this is basically a balanced reaction. By the way, please take the screenshot, मैं एक बार के लिए हट जा रहा हूं, please take the screenshot to make proper notes. ठीक है, and this is the balanced reaction. Now, ये वाले रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्री हमें दिख रहा है, 2a plus 3b gives you 2c plus 4d, then heat of the reaction is equals to x kilojoule per mole. It means to say is, when 2 moles of A reacts completely with 3 moles of B, it gives x kilojoule amount of heat. अब सवाल यहां पर ये आता है, जो ये पर मोल है, क्या ये एक मोल ए का है, क्या ये एक मोल बी का है? जवाब है, ना एक मोल ए का है ना एक मोल बी का है। पर मोल मींस पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी ये वाला रिएक्शन तुम 20% ही करवा रहे हो, क्या तब एक्स किलोजूल आएगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। यहां पर जो स्टोइचियोमेट्री है ये 100% रिएक्ट होने पर, ये जो मोलर एक्सटेंट है वो 100% होने पर x किलोजूल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारा लिबरेट होगा। अच्छा, ये जो x है वो डेफिनेटली हमारा लिखने का तरीके पे डिपेंड करेगा। अगर मैं ये पूरा रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पर जो आएगा वो भी मेरा हाफ से ही डिवाइड हो जाएगा। मतलब मान लो ये है हमारा 100 किलोजूल पर मोल, देन ए प्लस 3बी बाय 2 gives you C plus 2D, that will be 50 kilojoule per mole. It is na per mole of A, na per mole of B. Okay? Right. Heat of reaction ka general unit jo hai, that is kilojoule per mole or kilocalorie per mole. Calorie aur joule mein relation tumne definitely jante ho. 1 calorie is 4.2 joule. Theek hai? Reaction do type ke hote hain, jaise pehle bhi humne baat kiye hain, endothermic and exothermic. एंडोथर्मिक वो है जहां पर हीट एब्जॉर्ब होगा, यानी एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, और जहां पर हमारा हीट रिलीज होगा, यानी एक्स हमारा जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। एंडोथर्मिक में हम सिस्टम को हीट देते हैं, एक्सोथर्मिक में सिस्टम से हीट को हम निकालते हैं। अच्छा, बाय द वे, लिखने का और एक तरीका है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे रखा है -50 किलोजूल पर मोल, यू कैन आल्सो राइट रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट +50 किलोजूल पर मोल। ऑन द अदर हैंड, अगर रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट दे रहा है और एंथैल्पी दे रखा है 50 किलोजूल पर मोल, तो यू कैन आल्सो राइट दैट रिएक्टेंट +50 किलोजूल पर मोल is going to give you the product. ये इस तरीके से भी लिखते हैं, इनमें हमें confuse नहीं होना है, and इसके बारे में हमें ढंग से समझ जाना है पहले जो क्या कहना चाह रहा है। Plus heat मतलब है जो उस तरफ हमें उतना heat मिलने वाली है। ठीक है, right. Heat of reaction को क्या-क्या factors affect करता है?
पहले तो है कंडीशन, क्या वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, या वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। ये हम जानते हैं जो हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, द चेंज इन एंथैल्पी, एंड द हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू। ठीक है, जो हमारा नॉर्मली हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली, दैट इज डेल्टा यू, एंड दैट इज डन वाया बम कैलोरीमीटर और अ कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। और एक टाइप का कैलोरीमीटर होता है डेल्टा एच को डायरेक्टली मेजर करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। इट इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, बट हम नॉर्मली उस चीज को अवॉइड करते हैं। व्हाट वी बेसिकली डू इज द यूज ऑफ बम कैलोरीमीटर और द कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। बाकी तो डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन हम जानते ही हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एंड या फिर इन जनरल अगर हम बात करें डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। दिस वन इज ऑलवेज वैलिड। अगर आइडियल गैसेस इन्वॉल्व है तो हम स्पेशली ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन अज्यूम टू बी प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट। सो नाउ व्हाट इज अ बॉम कैलोरीमीटर। यहां पर जो है अगर हम ध्यान दें, हमारे पास एक कैलोरीमीटर है और उस कैलोरीमीटर के अंदर हमारा बॉम्ब यानी एक थिक वॉल्ड कंटेनर और ऑफ हीट कंडक्टिंग मटेरियल, ये जो है दिस इज कॉल्ड द बॉम्ब। ठीक है, ये कंटेनर है जिसका दीवार काफी मोटी और हमारा झटका सहने लायक होना चाहिए, बट वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर भी होना चाहिए। नॉर्मली हम हेवी मेटल्स के सहारे उनको बनाते हैं, लाइक आयरन। ठीक है, हेवी मेटल्स के सहारे उनको बनाते हैं। वो बेसिकली हमारा पानी में डिप्ट होता है, पानी के अंदर एक थर्मोमीटर डला हुआ होता है और एक स्टीरर होता है। स्टीरर इसलिए होता है जो कोई भी जगह पे अगर हीट है वो यूनिफॉर्मली हमारा वाटर में जल्दी से जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो कैलोरीमीटर का दीवार होते हैं उसको हम प्रैक्टिकली एडियाबैटिक रखते हैं और वो रूम टेम्परेचर पे मेंटेन होता है। जो एयर लॉस, जो हमारा हीट लॉस है, जो हमारा हीट लॉस है ड्यू टू द रेडिएशन और लाइक कन्वेक्शन, उस चीज को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं जिससे कि। तो अब उस बॉम्ब के अंदर मान लो मैं CH4 का जो एंथैल्पी चेंज निकालना चाहता हूं ड्यू टू कंबर्शन, तो मैंने क्या किया, उस बॉम्ब के अंदर 1 मोल CH4 और एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डाल दिया और रिएक्शन को चालू करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क डाला। वो इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी हो सकता है या फिर कोई मैकेनिकल स्पार्क भी हो सकता है, डजंट रियली मैटर। तो रिएक्शन होगा, CH4 जलेगा और CH4 जलने के कारण हीट जो है वो रिलीज होगा। वो हीट बॉम्ब से बाहर से आते हुए पानी के अंदर आएगा, पानी जो है वो हमारा मेजर हीट अब्सॉर्ब करेगा। वाटर इज अ वेरी गुड अब्सॉर्बर ऑफ हीट, और विद द यूज ऑफ थर्मोमीटर हम टेम्परेचर का जो चेंज है वो डेल्टा टी हम निकालते हैं। ध्यान देना, डेल्टा टी को हम सफिशियंटली स्मॉल रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 0.2 डिग्री सेल्सियस के अंदर वो समेटा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन हम करेंगे जहां पे 1 डिग्री सेल्सियस से बदल गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 0.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो चेंज रखते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर और कैलोरीमीटर में जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो हमारा डिस्टर्ब ना हो। सो टोटल वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर विल बी इक्वल्स टू MWSW प्लस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू MWSW प्लस वाटर इक्विवेलेंट W इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी। वी जनरली नेग्लेक्ट थर्मोमीटर, स्टाइर और बॉम्ब। वी ऑल्सो जनरली नेग्लेक्ट द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, क्योंकि वाटर के सामने वो वाला अमाउंट भी नॉर्मली नेग्लिजेबल होता है। अगर डेटा दिया हुआ है तो दैट्स बढ़िया, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज द फिजिकल स्टेट और द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस H2O गैस दे रहा है, या H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस H2O लिक्विड दे रहा है। दोनों में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो डेफिनेटली हमारा इक्वल नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है दोनों प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। लॉजिकल बात यह है, अगर मेरा लिक्विड बन रहा है तो लिक्विड के केस में व्हाट वी एक्सपेक्ट इज हमें थोड़ा सा ज्यादा हीट रिलीज होगी
एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट इज गैस, क्योंकि गैस से जब लिक्विड पे आया है उसके दौरान भी तो कुछ हीट रिलीज किया ही होगा। उसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सबसे पहली बात है दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, वो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, रिएक्टेंट का भी हो सकता है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कार्बन को जला के अगर मान लो मैं CO2 बनाना चाहता हूं तो वो डायमंड हो या फिर ग्रेफाइट हो, इट रियली डजंट मैटर, सॉरी इट मैटर्स, दोनों केस में हमारा जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हमारा इक्वल नहीं होने वाला है, क्योंकि का डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है वो हमारा सेम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेम है CO2 गैस, लेकिन जो रिएक्टेंट साइड है वहां पर एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है वो हमारा डिफरेंट है, उस कारण पे जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी डिफरेंट होगा। सिमिलरली हमारा सल्फर जो है वो रोम्बिक है या मोनोक्लिनिक है, उस बात पे भी हमारा हीट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली डिपेंड करने वाला है। और तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, जिसके बारे में हमने पहले बातचीत कर चुके हैं, एंड किरचॉफ्स लॉ हमने पहले पढ़े हैं। अगर ए ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी, तो इन दैट केस अगर कोई एक टेम्परेचर टी वन पे चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा एच वन और टेम्परेचर टी टू पर चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा एच टू, देन डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इज अ डेल्टा रिएक्शन सी पी डी टी का इंटीग्रल फ्रॉम टी वन टू टी टू। वी हैव डन इट बिफोर, इस चीज को लेकर मैं वापस बातचीत नहीं कर रहा हूं। एंड वही सेम रिलेशन डेल्टा यू के लिए भी वैलिड है, डेल्टा यू टू माइनस डेल्टा यू वन इज अ डेल्टा रिएक्शन सी वी इंटू डी टी, एंड ये दोनों जो है वो हमारा किरचॉफ्स इक्वेशन जो है वो हम बोलते हैं। तो एक टेम्परेचर से दूसरा टेम्परेचर जाने पे जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारा डेफिनेटली चेंज होता है। तो दोस्तों दीज आर ऑल द बेसिक डेफिनेशन, एंड अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक टर्म्स रिगार्डिंग द हीट ऑफ रिएक्शन हम करने वाले हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबर्शन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट चीजें अब हम लोग यहां पर करने वाले हैं, तो एक एक करके ये सारे चीजें देखेंगे। दिस इज अ थियोरिटिकल टॉपिक, ज्यादा यहां पर कोई इंट्रिंसिकली टफ टॉपिक नहीं है। डेफिनेशंस हमें याद रखना है, क्वेश्चंस जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैं एक एक करके चीजों को डिफाइन करूंगा, उसके रिगार्डिंग एक आध प्रॉब्लम्स जो है वो हम देखते रहेंगे। ओके okay?